हे दोस्तों, मैं मुकेश और मैं आज बात करने वाला हूँ रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RMHS। तो जितने भी लोग स्टील इंडस्ट्री से रिलेट रखते हैं उन्हें पता होगा कि रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यानी कि RMHS एक डिपार्टमेंट होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे रॉ मटेरियल को रिसीव किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और उसको फीड किया जाता है अपने इंटरनल कस्टमर्स को विदाउट एनी डेविएशंस। मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल है उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, जो भी क्वालिटी का डिमांड किया जा रहा है इंटरनल कस्टमर्स के द्वारा वो उसी क्वालिटी का होना चाहिए, उसी क्वांटिटी का होना चाहिए और उसी प्रोपोर्शंस में होना चाहिए और उसी साइज में होना चाहिए। तो RMHS डिपार्टमेंट में एक खुली जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे मटेरियल को, रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोल, कोक, आयरन ओर फाइंस, पैलेट्स, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, DRI, LD स्लैग, बेस मिक्स, आयरन ओर चिप्स, इनको कैसे अरेंज करके रखा गया है। नेक्स्ट जानते हैं मेजर इक्विपमेंट्स के बारे में, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं एक्टिविटीज में। तो पहला है वैगन टिपलर, दूसरा है स्टेकर कम रिक्लेमर, ट्वीन बूम स्टेकर, बैरल रिक्लेमर, ट्रैक होपर्स, क्रशर एंड स्क्रीन्स, ट्रक ऑनलोडिंग स्टेशन और कन्वेयर सिस्टम, और भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इन इक्विपमेंट्स का काम क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मटेरियल का अनलोडिंग करने के लिए वैगन टिपलर, ट्रक ट्रिपलर्स, ट्रैक होपर्स का यूज किया जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और स्टैकिंग के लिए कन्वेयर सिस्टम, स्टेकर रिक्लेमर्स, ट्विन बूम स्टेकर्स का यूज किया जाता है। उसके बाद मटेरियल का स्टोरेज करने के लिए, मटेरियल को स्टोर करने के लिए स्टॉक यार्ड्स, इंटरमीडिएट स्टोरेज बिल्डिंग्स का यूज किया जाता है। उसके बाद मटेरियल का रिक्लेमिंग के लिए स्टेकर रिक्लेमर्स, बैरल रिक्लेमर्स, पे लोडर्स का यूज किया जाता है और मटेरियल के प्रोसेसिंग के लिए हैमर, रोलर क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स एंड वेट फीडर्स का यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में जानना है एक एक करके तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा, एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इससे कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी लोग या फिर आपके दोस्त होंगे या फिर कोई रिलेटिव्स स्टील इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।